अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की आगामी फिल्म ऊंचाई का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सूरज बड़जात्या की अन्य फिल्म की तरह यह भी एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें चार दोस्तों की जिंदगी की कहानी बताई गई है जो असंभव सा दिखने वाला सपना पूरे करने की एक मजबूत कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म इस साल के 11 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा और नीना गुप्ता भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर इमोशन, प्यार और इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह दोस्त अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर उम्र के इस पड़ाव से माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना देखते हैं और बेस कैंप के लिए रवाना हो जाते हैं। हालांकि जो भी उनके सपने को सुनता है वे उन्हें वापस लौटने का ही सलाह देता है। हालांकि अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी और अनुपम खेर किसी की नहीं सुनते और ट्रैक के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें बर्फ, बारिश और उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि वे हार नहीं मानते, लेकिन ट्रेलर के अंत में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुँचते हुए नजर आते हैं, जिसे देख कर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या ट्रैक के दौरान अनुपम खेर और बोमन ईरानी ने हार मान ली। बता दें कि ट्रेलर में तीन फीमेल लीड्स, परिणीति चोपड़ा, नीना गुप्ता और सारिका की भी झलक देखने को मिलती है। नीना गुप्ता ने बोमन ईरानी की पत्नी के किरदार में नजर आती हैं, तो वहीं सारिका के किरदार के बारे में ज्यादा नहीं दिखाया गया है। ट्रेलर के अंत में बिग बी की आवाज में भूपेन का पसंदीदा गाना यह जीवन है एक अलग सा एहसास देता है। गौरतलब है कि यह गाना राजश्री प्रोडक्शन का एक क्लासिकल सॉन्ग है।